दोस्तों बीते दिनों दुनिया के दिग्गज क्रिकेटर शेन वॉर्न इस दुनिया को अलविदा कह गए। मात्र 52 साल की उम्र में दिल का दौरा पड़ने से शेन वॉर्न का निधन हो गया था। ठीक इसी तरह हमारे देश के मशहूर पत्रकार कमाल खान और एक्टर सिद्धार्थ शुक्ला भी अचानक उठे दिल के दौरे की वजह से आज हमारे बीच में नहीं है। तभी तो एक डेटा के मुताबिक आज पूरी दुनिया में हर साल करीब 17 लाख लोग केवल दिल की बीमारी से ही मर जाते हैं, जिसका मुख्य कारण मिलावटी खान पान और ढेर सारा तनाव है। कड़वा है मगर सत्य यही है। हालांकि एक सत्य ये भी है कि इस भागदौड़ भरी दुनिया में ना तो तनाव कम होने वाला है और अत्यधिक जनसंख्या के चलते ना ही शुद्ध खान पान मिलने वाला है। वहीं दूसरी तरफ सही समय पर हार्ट ट्रांसप्लांट करना भी डॉक्टर्स के बस की बात नहीं है और ना ही इसका खर्च उठा पाना मरीज के बस में होता है। ऐसे में लोगों की जान बचाने के लिए मेडिकल साइंस ने इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाला है, जिसका नाम है आर्टिफिशियल हार्ट ट्रांसप्लांट। जी हाँ, नकली दिल, वो भी एक असली शरीर में, जो कहने को नकली है लेकिन काम एक असली दिल की तरह ही करता है और तो शरीर के बाहर एक बैग में भी रहता है। चौंक गए ना दोस्तों, इससे पहले कि आर्टिफिशियल हार्ट को लेकर आपके मन में और भी सवाल आए, जैसे कि ये दिखता कैसा है और काम कैसे करता है, तो आपको बताना चाहूंगा कि इस नकली दिल को मेडिकल टर्मिनोलॉजी में VAD यानी वैड कहते हैं, जिसका मतलब होता है वेंट्रिकुलर असिस्ट डिवाइस, एक पंप जो तब इस्तेमाल किया जाता है जब इंसान का असली दिल धड़कना बंद कर देता है। ऐसे मरीज के शरीर में डॉक्टर इस पंप को असली दिल के निचले हिस्से से जोड़ देते हैं, जहां मौजूद लोअर चैंबर्स और उसमें मौजूद ब्लड को ये पंप करता है। इसकी मदद से दिल में मौजूद खून, जो दिल की किसी बीमारी के चलते रुकता है, वो पूरे शरीर में एक बार फिर से फैलने लगता है, ठीक उसी तरह जैसे हमारा असली दिल काम करता है। दाईं ओर से दिल के भीतर खून का प्रवेश और बाईं ओर से उसकी निकासी, ये पंप बड़ी ही आसानी के साथ कर लेता है। वैसे दोस्तों, ये दिखने में जितना आसान लग रहा है, आर्टिफिशियल हार्ट का मैकेनिज्म उतना ही जटिल होता है, क्योंकि जो पंप दिल के भीतर फिट किया जाता है उसे ऑपरेट शरीर के बाहर से किया जाता है, और जिस तरह दिल के पास वाली मशीन को वैड कहते हैं, उसी तरह शरीर के बाहर बने सिस्टम को एक्सटर्नल पोर्टेबल सिस्टम कहते हैं। VAD और EPS को आपस में जोड़ने के लिए केबल्स का इस्तेमाल किया जाता है। जी हाँ दोस्तों, ये बेहद ही जटिल प्रोसेस होता है, क्योंकि ऐसा करने के लिए डॉक्टर्स मरीज के पेट में एक चीरा लगाते हैं और फिर केबल्स की मदद से दोनों कंट्रोल सिस्टम को आपस में कनेक्ट कर देते हैं, जिसमें ढेर सारा खर्च तो आता ही है, साथ ही साथ मरीज को भी काफी तकलीफों से गुजरना पड़ता है। बात करें अगर एक्सटर्नल डिवाइस EPS की, तो एक बैटरी कंट्रोल रूम होता है, जो ये सुनिश्चित करता है कि शरीर के भीतर लगे नकली दिल को बराबर करंट मिलता रहे, जिससे कि वो एक असली दिल की तरह ही लगातार धड़कता रहे। EPS की मदद से नकली दिल VAD तो ठीक तरह से काम कर लेता है, लेकिन खुद EPS भी ठीक से काम करता रहे, ये भी उतना ही जरूरी है। और इसे सुनिश्चित करने के लिए बैटरी का विशेष रूप से ध्यान रखा जाता है और इसे चार्ज करने से लेकर समय समय पर इसे चेंज भी किया जाता है। दोस्तों आपको बता दें कि EPS को एक किट की तरह ही बैग में रखा जाता है, जिसे मरीज अपने कंधों पर टांग कर चलता है। हालांकि इसे लेकर चलना मुश्किलों से भरा जरूर होता है, क्योंकि इसका औसतन वेट तकरीबन 20 किलो का होता है, लेकिन आज दुनिया में कई ऐसे मरीज हैं जो मरने से बाल बाल बचे और केवल इसी की वजह से जिंदा है। इनमें से कुछ मरीजों से ये सवाल भी किया गया कि बैग को टांग कर चलना उसे कैसा लगता है, तो उनका जवाब ये था कि वो बेहद ही खुश है, क्योंकि इस बैग की बदौलत ही उन्हें एक नया जीवन नसीब हुआ है। साथ ही वो मेडिकल साइंस के चमत्कार के आभारी भी हैं, जिसकी वजह से वो कई वर्षों तक जी पाए। हालांकि ये चमत्कार भी रातों रात नहीं हुआ था, बल्कि इसे कामयाब बनाने के लिए हमारे डॉक्टर साल 1940 से इस पर काम कर रहे हैं, जब पहली बार नकली दिल को बनाया गया था, और तब से लेकर आज 2022 में मेडिकल साइंस इस मुकाम पर पहुंच चुकी है, जहां उसने मील का एक और पत्थर पार कर लिया है। दोस्तों डॉक्टर्स ने अब VAD को और भी ज्यादा अपग्रेड कर लिया है, जिसमें बाहर से केबल डालने की जरूरत भी अब नहीं पड़ती है। मतलब नकली दिल इम्प्लांट करने के लिए अब तो पेट में चीरा लगाने की भी जरूरत नहीं होती है, जिसकी वजह से अब मरीजों को भारी भरकम बैग भी अपने कंधों पर नहीं टांगना पड़ता। इस नई टेक्नोलॉजी का नाम है इंडक्टिव कपलिंग, जिसमें दो मेटालिक कॉइल्स होते हैं, एक मरीज के दिल में और दूसरा शरीर के बाहर। ये दोनों डिवाइस एक दूसरे के पास ही रहते हैं। बाहर वाला डिवाइस एक बेल्ट के रूप में और इंडक्शन की मदद से अंदर लगे डिवाइस को ऊर्जा देता है, और इस तरह एक नकली दिल इंसान के शरीर में धड़कता रहता है। इसकी कार्यप्रणाली को और भी आसान भाषा में समझें तो ये डिवाइस ठीक उसी तरह से काम करता है जैसे हमारे घरों में मौजूद इंडक्शन चूल्हा करता है। दोस्तों ये तो आपने देख लिया कि आज मेडिकल साइंस इस मुकाम पर खड़ी है जहां से इंसान अपने आप को मौत के मुंह में जाने से रोक सकता है, लेकिन फिर भी आज ये जानना उससे भी ज्यादा जरूरी है कि आखिर समस्या का कारण क्या है और इसे रोका कैसे जा सकता है। तो जैसा कि हमने आपको शुरू में ही बताया था कि हृदय रोग की ये समस्या जो आजकल युवाओं में तेजी से बढ़ रही है, इसके मुख्य कारण तनाव और नकली खान पान है। लेकिन दोस्तों इसके अलावा कुछ और अन्य कारण भी है जिन्हें हम और आप नजरअंदाज करते हैं, और फिर इन्हीं कारणों के चलते हार्ट अटैक जैसे परिणाम सामने आते हैं। डॉक्टर्स का मानना है कि जो युवा सिगरेट और शराब का सेवन कम उम्र में ही शुरू कर देते हैं और फिर लगातार जारी भी रखते हैं, उन्हें हार्ट अटैक का खतरा सबसे ज्यादा होता है। आज लगभग 50% युवा सिगरेट और शराब की लत से ग्रसित है, जिन्हें दिल का रोग कभी भी लग सकता है। डरने की बात तो ये है कि अन्य बीमारियों से बिल्कुल इतर ये एक ऐसा संकट है जिसका पता शुरुआत में नहीं लगता, बल्कि अचानक ही हमलावर होता है। केवल नशीले पदार्थ ही नहीं, जो युवा घर के बने खाने से ज्यादा बाहर के जंक फूड पर भी निर्भर
करते हैं। हार्ट अटैक का खतरा उनमें भी उतना ही ज्यादा होता है जितना एक शराबी और धूम्रपान करने वाले व्यक्ति में। अब क्योंकि ये सभी खाने तले भुने होते हैं जो कोलेस्ट्रॉल के साथ साथ कैलोरीज को भी तेजी से बढ़ाते हैं, जिसका असर सीधे दिल पर पड़ता है। और वो कुछ इस तरह से कि जंक फूड पहले तो दिल की धड़कनों को एनीमिक तौर पर बढ़ाते हैं, जो पहले युवाओं में ब्लड प्रेशर की समस्या को जन्म देते हैं, और फिर यही ब्लड प्रेशर जब जरूरत से ज्यादा बढ़ जाता है तो आखिरकार ये हार्ट अटैक का रूप भी ले लेता है। दोस्तों, यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि हाई ब्लड प्रेशर एक अलार्म की तरह होता है, जो ये बताता है कि शरीर का रक्तचाप उसमें मौजूद ब्लड वेसल्स की क्षमता के हिसाब से ना होकर उससे कहीं ज्यादा तेजी से हो रहा है, जो एक दिन नसों को ब्लॉक कर देगा और फिर इसके चलते हार्ट अटैक जैसी बीमारियों का जन्म होगा। खानपान के बाद बात करते हैं नींद की, जो हार्ट अटैक का एक और कारण बनती है। दोस्तों, ये तो आप सभी जानते होंगे कि प्रॉपर नींद ना लेना और बेढंगे तरीके से सोना ये आजकल के युवाओं की आदत सी बन गई है, लेकिन आप ये नहीं जानते हैं कि ये सभी चीजें हमारी सेहत को तेजी से खराब कर रही हैं, जो कि आखिरकार किसी व्यक्ति को हार्ट अटैक की दहलीज पर लाकर खड़ा कर सकती है। एक स्टडी के मुताबिक जो युवा समय से और पूरी नींद नहीं लेते उनमें हार्ट अटैक का खतरा 20-25% तक ज्यादा होता है, जिसका मतलब ये हुआ कि आज हर 5 में से 2 युवा अपने आप को हृदय रोग जैसी बीमारियों में ना चाहते हुए भी धकेल रहे हैं। इसके अलावा डिप्रेशन, जो कि एक बहुत बड़ी समस्या आजकल के युवाओं में देखने को मिलती है, ये वो समस्या है जो उनकी नींद को हराम करती है और फिर दिल को भी इतना कमजोर कर देती है कि अनजाने में ही सही लेकिन हार्ट अटैक का खतरा उन पर भी मंडराने लगता है। वैसे दोस्तों, केवल गलत खान पान और रहन सहन ही नहीं बल्कि हार्ट अटैक उन युवाओं को भी अपना शिकार बनाता है जो जरूरत से ज्यादा अपनी सेहत का ख्याल रखते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ बॉडी बिल्डिंग करने वाले युवाओं की, जो स्मार्ट, हैंडसम और कई बार अपने पसंदीदा कलाकार की जैसा दिखने के चक्कर में हाई प्रोटीन और न्यूट्रिशन का सेवन करते हैं, ये ना जानते हुए कि जिन चीजों का सेवन वो कर रहे हैं वो असल में स्टीरोइड हैं, जिनकी मदद से उनकी बॉडी जरूर बन जाती है लेकिन साथ साथ उनमें हार्ट अटैक का खतरा भी बढ़ जाता है। केवल यही नहीं, स्टीरोइड के चलते किडनी फेलियर की समस्या भी युवाओं में अब एक आम सी बात है। अगर यकीन नहीं होता तो इंटरनेट पर ऐसे बहुत से वायरल वीडियोज मौजूद हैं जिनमें ये साफ तौर पर देखा जा सकता है कि किस तरह बॉडी बनाने के चक्कर में युवा अपनी जान खो रहे हैं। उदाहरण के तौर पर अगर बात करें एक्टर सिद्धार्थ शुक्ला की, तो उनके बारे में यही कहा जाता है कि वो फिटनेस को लेकर कुछ ज्यादा ही गंभीर थे, इसी के चलते वो घंटों घंटों तक जिम में ही एक्सरसाइज किया करते थे। ऐसे में जो कुछ उनके साथ हुआ वो हम सबके सामने है। सोचिए दोस्तों, ये तो वो केस हैं जिनके बारे में हम जानते हैं, तो जरा सोचिए ऐसे कितने ही मामले और होंगे जिनकी खबर हम तक नहीं पहुंचती। दोस्तों, इस जानकारी के माध्यम से हमारा बिल्कुल भी ये मकसद नहीं है कि कोई इसे लेकर घबराए या फिर उसका मन विचलित हो, बल्कि हम सभी चाहते हैं कि हम और हमारे युवा डॉक्टर्स की बातों को गंभीरता से लें और अपनी सेहत का खास ख्याल रखें, क्योंकि ये हमारी सेहत ही है जो जीवन के आखिरी पहलू तक हमारा साथ निभा सकती है। इसके अलावा दुनिया की किसी भी चीज पर आपका कोई कंट्रोल नहीं होता, इसलिए मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो देखने के बाद हम सब आज से ही ये कोशिश करेंगे कि समय से सोना, पूरी नींद लेना, जितना मुमकिन हो सके अच्छा खान पान रखना, फलों का ज्यादा इस्तेमाल करना, एक्सरसाइज करना, वो सबसे जरूरी चीज, शराब सिगरेट से जितनी दूरी हो सके उतनी दूरी बनाए रखना, इन सभी बातों को हम अपने इस प्यारे से जीवन में लागू करेंगे ताकि मेडिकल साइंस के इस अद्भुत चमत्कार नकली दिल का सहारा हमें कभी लेना ही ना पड़े और प्रकृति द्वारा दिया गया ये मासूम सा दिल ही हमारे लिए काफी हो। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहें, मस्त रहें, हंसते रहें, भगवान करे आप सभी का दिन शुभ हो।